है। वायु सेवा के जनक ओरविल राइट और बिरबल राइट थे, जिन्हें हम शॉर्ट में राइट बंधु कहते हैं। हमें पता है वायु परिवहन यातायात का सबसे तीव्र एवं आधुनिक साधन है, और किसी आपातकालीन घटना जैसे बाढ़, भूकंप, महामारी, युद्ध आदि के दौरान वायु सेवा ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण साबित होता है। भारत जैसे विशाल देश के लिए यह बहुत ज्यादा उपयोगी है, लेकिन संसाधन एवं धन की कमी के कारण इसका पर्याप्त विकास नहीं हो सका है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई, जब इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान से डाक भेजी गई। 1932 में टाटा सन्स लिमिटेड ने घरेलू डाक वायु सेवा की शुरुआत बंबई से कराची के बीच की थी। 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई। इसने कलकत्ता से रंगून, कलकत्ता से ढाका तथा लाहौर से कराची के बीच साप्ताहिक वायु सेवा शुरू की। इसके बाद टाटा एयरवेज ने मुंबई से तिरुवनंतपुरम के बीच तथा मुंबई से दिल्ली मार्ग पर भी वायु सेवा प्रदान की। 1947 में टाटा एयरवेज को एयर इंडिया इंटरनेशनल के नाम से सरकारी बना दिया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति तक देश में 21 वायु परिवहन कंपनियां स्थापित हो चुकी थी। 1953 में सभी वायु सेवा वाली कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके एयर इंडिया लिमिटेड और इंडियन एयरलाइंस नामक दो नए निगम बना दिए गए। देश के भीतरी भागों में विमान सेवाओं के संचालन के लिए इंडियन एयरलाइंस था। इस निगम के अंतर्गत कुल 8 कंपनियां शामिल की गई, जो निम्न थी: एयरवेज इंडिया, एयर इंडिया, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया, भारत एयरवेज, दक्कन एयरवेज, कलिंग एयरवेज, हिमालय एविएशन, इंडियन नेशनल एयरवेज। यह मुंबई, दिल्ली, कोलकाता तथा चेन्नई आदि महानगरों से अपनी विमान सेवाओं को संचालन करती है। इंडियन एयरलाइंस निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह देश के आंतरिक भागों के अलावा भारत के पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार तथा मालदीव को भी अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। याद रखना मित्रों, देश की दूसरी वायु सेवा कंपनी एयर इंडिया लिमिटेड विदेशों में वायु सेवा प्रदान करती है। इसके द्वारा भारत विश्व के 96 देशों के साथ वायु परिवहन करता है। इन निगमों के अलावा जनवरी 1981 में घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत नामक तीसरे निगम की स्थापना की गई थी। यह उन क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है जहां इंडियन एयरलाइंस की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। बाद में इसको भी इंडियन एयरलाइंस में मिला दिया गया। आपको तो पता ही होगा कि नेताजी हेलीकॉप्टर के द्वारा चुनाव में भाषण देने आते हैं। वो हेलीकॉप्टर वाली वायु सेवा इसी का उदाहरण है। 2007 में दोनों निगमों का विलय करके नेशनल एविगेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड NACIL का गठन किया गया है, लेकिन इसका ब्रांड नाम एयर इंडिया ही रखा गया है, क्योंकि मुझे वो नए नाम से थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। याद रखना, निजी क्षेत्र में भी कई वायु सेवा कंपनियां कार्यरत हैं, जैसे जेट एयरवेज, इंडिगो, किंगफिशर आदि। आपको तो पता ही होगा कि किंगफिशर का मालिक कौन था। एक बात यह भी याद रखना भाइयों और बहनों, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम और ऑल इंडिया लिमिटेड आदि संस्थाएं निजी संस्थानों एवं राज्य सरकारों को हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है, चुनाव या आपातकालीन दशा में। हालांकि यह अच्छी बात है। याद रखना, वायु परिवहन संघ सूची का विषय है। इसके विकास के लिए उड्डयन मंत्रालय होता है। आपको तो पता ही होगा कि वर्तमान नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है। वायु सेवा का मुख्यालय दिल्ली में है और इसका निगम कार्यालय मुंबई में है। वायु सेवा का शुभंकर महाराजा है। यह एक राजा का चित्र है जो विनम्रता से हाथ जोड़कर हमारा स्वागत करता है। महाराजा इसलिए है क्योंकि वायु सेवा सबसे महंगी होती है, इसलिए इसमें आम आदमी कम और राजा महाराजा टाइप के लोग अधिक बैठते हैं। याद रखना, वायु सेवा का लोगो या प्रतीक उड़ते हुए हंस में कोणार्क चिन्ह है। वर्तमान भारत में 23 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे समेत कुल 127 हवाई अड्डे हैं। याद रखना, ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा उसे कहते हैं जिसमें पुराने के पास एक नया हवाई अड्डा बनाया जाता है। नई परियोजना के साथ यह काफी हद तक पर्यावरण के अनुकूल होता है, जैसे इसमें सौर ऊर्जा का प्रयोग होता है तथा हरियाली मतलब पेड़ पौधे घास अधिक होते हैं। याद रखना, एशिया का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद है, दूसरा जोधपुर हवाई अड्डा, अन्य ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे सिक्किम, बेरियांग हवाई अड्डा, चेतु हवाई अड्डा नागालैंड, ईटानगर हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश। याद रखना, जब पुराने हवाई अड्डे से दूर पहले से चलाई जा रही परियोजनाओं में सुधार करके उसी पुरानी परियोजना का विकास करते हैं तो उन्हें ग्राउंड फील्ड परियोजना कहते हैं। अब हम देखते हैं भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। एक छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा सेंटा क्रूज मुंबई, दो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, तीन सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा दमदम कोलकाता,
4. मीनाम्बकम हवाई अड्डा चेन्नई. 5. शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर. 6. श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब. आपको पता ही होगा रामदास जी सिखों के चौथे गुरु थे. 7. चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा. याद रखना इसमें भारतीय वायुसेना का हवाई अड्डा भी शामिल है. 8. जॉली ग्रांट हवाई अड्डा देहरादून उत्तराखंड. 9. चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ उत्तर प्रदेश. 10. लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी उत्तर प्रदेश. 11. जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना बिहार. 12. बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची झारखंड. 13. जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर जयपुर. 14. महाराणा प्रताप घरेलू हवाई अड्डा डबोक उदयपुर. 15. सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात. 16. राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल मध्य प्रदेश. 17. देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर मध्य प्रदेश. 18. स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रायपुर छत्तीसगढ़. 19. गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी असम. 20. बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर उड़ीसा. 21. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र. 22. डाबोलिम वास्को डिगामा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा. 23. कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु कर्नाटक. 24. राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना. 25. कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल. 26. त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम केरल. 27. वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर अंडमान एवं निकोबार.